तो कैसे ऑक्सीजन फिर बताओ भाई, ऑक्सीजन आ चुका है बीच माइक ऑन का लीडरबोर्ड रैंकिंग गेम प्ले वीडियो लेकर। तो गाइस कैसा चल रहा है आपका रैंक बूस्ट, जल्दी से पहले कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। और यहाँ पे आज का गेम प्ले आपको जो देखने को मिल रहा है, बंदे 45 अलाइव, सिर्फ 2 किल मेरे। यहाँ पे अर्ली फाइट में मेरा रिकॉल खराब हो चुका है, किल नहीं है। अब यहाँ पे जो अभी के टाइम आपकी प्रॉब्लम भी देखने को मिल रही है कि भाई डिमोटिवेट हो चुका है, प्लस नहीं मिल रहा है, चीटर्स आ रहे हैं, तो कैसे अभी के टाइम ज्यादा प्लस निकाले। जो कि हर वीडियो के अंदर मैं यही बोलना चाह रहा हूँ और समझाना चाह रहा हूँ कि आप अभी के टाइम भी निकाल सकते हो प्लस, किल उठा सकते हो, कैसे, तो ये वाला वीडियो देख लो और सीख लो। और वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और जिसने वीडियो को लाइक चाहिए, सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से पहले कर लो। अब यहाँ पे देखो हल्का सा हम थोड़ा सा रश करते हुए खेल रहे थे, और देख लो और सीख लो कैसे मैं अच्छा खासा प्लस निकालने वाला हूं इस वाले मैच के अंदर। तो देखो सामने टीममेट, जिस बंदे को मैं डैमेज दे रहा था उसको टीममेट ने टेक डाउन फिनिश दिया। अब यहाँ पे इवेंट पे अलग से फाइट चल रही थी, मैं आता हूँ यहाँ पे फ्यूल भरता हूँ पहले। टीममेट बोलता है इवेंट पे मैंने एक बंदे को टेक डाउन दिया। अरे वो लोग राक्षस को मार रहे थे हीरो। अब यहाँ पे जैसे ही टीममेट की मुझे ये वाली कॉल मिलती है, टीममेट को मैं बोलता हूँ कि भाई थोड़ा सा ठीक से खेलना, सीधा बंदों पे मैं रश कर रहा है। अब यहाँ पे देखो कैसे गलत वाला सीन, यहाँ पे मेरे साथ हो सकता था, टीममेट की कॉल से नहीं, सीढ़ी चढ़ते हुए जाते हैं बंदा वहां पे, बट बंदा वहां नहीं। यहाँ देखो अब यहाँ पे एक नहीं दो टीम, टीममेट पे अलग, मेरे सामने अलग। इन दोनों बंदों को मैंने टेकडाउन दिया और लग गया तो फिनिश किया। अब टीममेट अलग टीम से फाइट ले रहा था, अभी भी यहाँ पे हमारे सिवा दो बंदे दिख रहे थे। टीममेट ने यहाँ पे तभी भाई जैसे तैसे करके एक बंदे को टेकडाउन निकाला। अब जैसे ही मैं आगे जाऊंगा, और उससे पहले एक बंदा जो स्पेक्टर कर रहा है वो शायद ओके लिखा है, बट वो लिखना ओपी चाह रहा था आई थिंक मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे टीममेट ने जैसे तैसे करके दोनों बंदों को यहाँ पे फिनिश किया। अब यहाँ पे हमारा रिकॉल खराब था, मतलब ऑलरेडी अर्ली फाइट में हो चुका था। अब यहाँ पे हमें किल निकालने थे क्योंकि भाई प्लस भी तो निकालना है, और अभी के टाइम आपको प्लस निकालना है ज्यादा, तो गाइस थोड़ी सी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा सा कहीं ना कहीं किल भी आपको ज्यादा निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी के टाइम आपको ज्यादातर ना सर्वाइवल के साथ साथ किल होना जरूरी है। सर्वाइव करोगे तो आपको थोड़ा सा पॉइंट मिलेगा, बट किल करोगे ना ज्यादा से ज्यादा आपको पॉइंट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे टीममेट ने एक बंदे को फिनिश किया क्योंकि इस बंदे को नॉक किया था पहाड़ी वाले बंदों ने। अब यहाँ पे मेरे सामने जो कि शॉप पे बंदा था, अब वो गाड़ी लेके निकलता तभी। ये ऊपर वाले बंदे आते हैं जिन्होंने एक बंदे को टेकडाउन दिया था, और मेरे टीममेट ने किल चुराया था। यहाँ पे एक बंदे को मैंने टेकडाउन दिया और लग गया तो फिनिश किया। दूसरा बंदा पेड़ पे होता है, टीममेट को कॉल दी बंदा है, और यहाँ पे तभी अब जो बंदा लेम्बो लेके निकला था वो बंदा घूम के पीछे आता है, निकल भी जाता है, और जैसे ही मेरे टीममेट से बचते हुए इधर आता मेरे एंगल पे बंदा, ये जो कि बंदी थी, इसको फिनिश किया। और यहाँ पे बंदे ढूंढते हुए, मतलब रश करना नहीं चाह रहे थे, बट हल्का सा दिमाग में था कि अगर जहां बंदे मिलेंगे वहां पर मारेंगे बंदे, बट यहाँ पे रश हम पर्टिकुलर नहीं कर रहे थे। जोन में आता हूँ और तभी यहाँ पे देखो लेफ्ट में घर के ऊपर बंदा देखा, टीममेट को बोल दी बंदा है। अब यहाँ पे टीममेट को बोला कि अपने को इस बंदे से फाइट लेनी है, बट ध्यान से। और यहाँ पे टीममेट पे बंदे ने स्प्रे लिया। अब यहाँ पे टीममेट निकल जाता अलग, और मैं इधर आता हूँ, थोड़ी देर वेट करता हूँ, टीममेट को कॉल देता हूँ कि भाई इस बंदे पे अपने को रश करना चाहिए। सिंगल बंदा लग रहा है, यहाँ पे गाड़ी उठाता हूँ, और जैसे ही मेरा टीममेट पहुँचता है वहाँ पे, मैं निकला यहाँ से।
अब सही बताओ ना गाइस, यहाँ पे काफी देर से एक ही बंदा इस पर रहता, दूसरा बंदा नहीं, और एक ही बंदा में लगता है, और एक बंदे को सोचते हम रश करते हैं, बट यहाँ पे बंदे दो होते हैं। मौके का फायदा थर्ड पार्टी करने के लिए दूसरी टीम आती है, बट इनको मौके का फायदा नहीं उठाने देता हूँ। एक बंदे को टेकडाउन दिया, तभी दूसरे बंदे पे सीधा यहाँ पे रश मारता हूँ, क्योंकि उसको भी अच्छा खासा डैमेज मैंने दे दिया था। और ये भाई सब लेटे हुए थे, इनको सीधा यहाँ पे फिनिश किया लूट करके। अब थोड़ा भाई साइड बाई साइड हम बंदे ढूंढते हुए मार रहे थे, रश थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम कर रहे थे। यहाँ पे जोन देखा आपने, हम सेंटर में थे, फिर भी यहाँ पे छोड़ के पोजीशन निकलते हैं, और तभी टीममेट को बोला था भाई उसकी वेस्ट पूरी उड़ी हुई है। अब यहाँ पे वेस्ट के लिए आता हूँ, और तभी सामने की साइड बंदे रश मार देते हम पहले से। एक सूट विद M4, वो भी पानी वाली। यहाँ पे बंदे ने डैमेज दिया, और बंदे को हमने भी रिटर्न में डैमेज दिया। यहाँ पे हल्की फुल्की लूट करते हैं, और आपको पता होगा कि चीटर भाई जो आ रहे हैं उनसे बचने का एक ही सीन है, आप या तो उनसे जाके सीधा क्लोज रेंज ले लो, जिसमें वो कहीं ना कहीं हग ही देंगे, क्योंकि चीटर्स कोई सा भी हो वो क्लोज में हगेगा ही हगेगा अगर वो चीट यूज कर रहा है तो। अभी के टाइम पे तो यही है, और बाकी आप चाहो तो भाई सर्वाइव करके भी लास्ट जोन के लिए खेल सकते हो। आपको अगर अपने गेम प्ले में भरोसा है तो सीधा बिंदास रश करके खेलो, हल्का सा रश करके खेलो, जिसके अंदर आप कहीं ना कहीं थोड़े से किल निकाल पाओ, क्योंकि अभी के टाइम आप सर्वाइव पे ही नहीं टिके रह सकते, आपको किल तो कहीं ना कहीं निकालने ही पड़ेंगे, तब जाकर आपको थोड़ा सा ठीक ठाक प्लस मिलेगा। अब यहाँ पे गाड़ी लेकर निकल ही रहते, लेफ्ट से एक बंदा हमारी गाड़ी पे डैमेज देने की ट्राई करता है, राइट वाले घरों पे आ चुका था ये बंदा। अब यहाँ पे गाड़ी उठाकर सीधा हम निकलते हैं, और यहाँ पे हमें जाना भी था जोन में, और इस बंदे ने भी उंगली करी थी, टीममेट को बोला अलग गाड़ी ले मैं अलग लेता हूं। और यहाँ पे लेफ्ट में बग्गी दिखी जो कि रिकॉल टावर से थी निकल रही, बट वापस घूम जाती है वो। सामने टीममेट को बोलता हूं कि भाई अपने को इन्हीं घरों पे रश करना है, क्योंकि यहाँ पे एक ही बंदा लग रहा है, क्योंकि एक ही बंदे का फायरिंग का साउंड आया था, और ये सोचकर सीधा हम रश भी मार देते हैं। बंदे का फुट साउंड आया, नेक नेट की पिन खींची, बट भाई साहब गलत ही रश मारना चाह रहे थे, यहाँ पे सीधा इनको फिनिश किया। थोड़ी देर हम लूट करते हैं, वेट भी करते हैं, और यहाँ पे जैसे ही अपनी गाड़ी पे जा रहा था तभी अब यहाँ पे ये भाई साहब तो जम मार रहे थे, मतलब आई थिंक सब्सक्राइबर थे, तो मैं यहाँ पे इनको एक को टेकडाउन करता हूँ, दूसरे को बोलता हूँ कि टीममेट को अपने रिवाइव लेने थे, टीममेट को बोला मैंने ये, और तभी ये भाई साहब बराश आता है, इनको नॉक किया और लग गया, तो मैंने फिनिश किया। अब यहाँ पे सामने की साइड अलग फाइट हो रही थी हमारे सिवा, मतलब हम चार बंदे तो हम हो गए, जो कि दो अपने मेटअप करने वाले सब्सक्राइबर थे, और हमारे सिवा तीन बंदे और बचे हुए, तो यहाँ पे इनको ढूंढने के लिए आगे निकलते हैं। अब यहाँ पे ये भाई बात करने की चाह रहे थे, तो यहाँ पे इनको मैं बोलता हूँ भाई गाड़ी लेकर आ जाओ, जो बंदे बचे हुए सामने की साइड जो फायर हो रहा है वहाँ पे उनको फिनिश करके फिर अपन बात करते हैं, ये बोल के निकलता हूँ और सीधा मैं इधर की साइड आ जाता हूँ। यहाँ पे बंदा देखा बूसे पे एक लेफ्ट में, और टीममेट सीधा उस पर रश मार देता, जबकि मेरे टीममेट को मैं बोल देता हूँ कि रुक जा भाई। टीममेट ने एक बंदे को टेकडाउन दिया, अब यहाँ पे इसका दूसरा बंदा जो कि भाई नहीं पता है, तो यहाँ पे टीममेट को बोला कवर लेके रहे, ओपन मत घूमना, बंदा लेटा होगा तो तुझे टेकडाउन सीधा फिनिश दे देगा। यहाँ पे गाड़ी घुमाना मैं स्टार्ट करता हूँ, और तभी इधर एक बग्गी भी दिखती है, और बंदा भी इसी के पास था, और देखो अब यहाँ पे क्या होता है। टीममेट को गलती ही वाली डीबीएस टिकाई बंदे ने। अब यहाँ पे देखो मैं किस तरीके से अपने टीममेट को रिवाइव करता हूँ, वहां से भूसे के पास से हटने के लिए बोलता हूँ टीममेट को, क्योंकि बंदा नेड कर सकता था इतना मुझे पता था, स्मोक होल बनाया और टीममेट को रिवाइव करता हूँ, टीममेट को कॉल देता हूँ तू गाड़ी घुमा, बंदा होगा तो पक्का मारेगा तुझे। और जैसे तैसे करके एडजस्ट करके तुम्हारे भाई ने इस बंदे को यहाँ पे फिनिश किया, 17 किल मेरे यहाँ पे हो चुके हैं अभी तक, और दो बंदे बचे हैं। इन भाइयों से बात करता हूँ भाई, चार दिन पहले हमारा मैच मैकिंग हुआ था,
अब यहाँ पे भाई बोलते हैं कि चार दिन पहले भी अपना मैच मेकिंग हो रखा है, तो यहाँ पे भाइयों से मैं काफी सारी बातें करता हूँ। भाई बोलते हैं हमें प्लस चाहिए, तो मैं बोलता हूँ ठीक है भाई मेरे टीममेट को तुम मार लेना और बाकी मैं तुमको मार दूंगा, तो तुम्हारा भी ठीक ठाक तुम्हें प्लस मिल जाएगा। बाकी आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, जल्दी से ऑक्सीजन फैमिली मेंबर बन जाओ और अपना व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाओ और ज्वाइन कर लो। लव यू ऑक्सीजन फैमिली एंड बाय, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, याद रखना। तेरे चक्कर में मार खाया अमृत है, अमृत का वरदान है। मार दे और मार दे, मार दे, वीडियो जरूर डालना है यार। भाई कुछ नहीं हो रहा, we are number 1.